हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हैं आप सब सो फ्रेंड्स वी आर बैक विद द वीडियो ऑन एमसीक्यूज़ ऑन जनरल साइंस ऑल राइट एंड लेक्चर नंबर थर्टीन है ये ऑलरेडी ट्वेल्व लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं अगर कोई बच्चा पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो पास्ट ईयर क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं यू वेरियस यू एग्ज़ाम्स के सी डी एस एन डी एस सी एंड ये जो क्वेश्चन आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जितने भी आपके यू के एग्ज़ाम्स हैं अगर आप ई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एन डी ए स्टेट सर्विसेज सब में काम आने वाला है तो अगर किसी ने वो बारह लेक्चर नहीं देखे हम वो भी देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर ऑल राइट एंड एंड ऑफ द डे जब तक हमारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तब तक आप देखोगे कि सारे साइंस के क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे पांच क्वेश्चन इसमें भी करेंगे प्रोसेस वही है क्वेश्चन आएगा आंसर करने की कोशिश करनी है वीडियो को पॉज करके समझने के बाद उसको आंसर करें फिर सोल्यूशन देखें चलो और किसी भी तरह का डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप व्हाट्सएप करें पहले सीधा कॉल मत करें चांसेस कम है कि आपका आग कॉल उठेगा व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा और हम एक टाइम सेट कर लेंगे कि किस टाइम पर हमें कॉल पर डिस्कशन करना है या फिर आप मेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं ऑलराइट नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम का क्वेश्चन है से कौन से एलिमेंट की आपको क्या क्या पता होना चाहिए पहले तो वेलेंसी क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर अपने को वेलेंसी नहीं पता क्या होता है वेलेंसी का कंसेप्ट ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन करना नामुमकिन है ठीक है अब इसके लिए एन सी आर टी ही सोर्स है एनसीआरटी में ही एक टेबल गिवन है जहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की वेलेंसी आपको प्रोवाइडेड है और वो बेस्ट है आपके लिए अगर वो आपने टेबल एक बार याद कर लिया तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे तो सबसे पहले वेलेंसी का कंसेप्ट पता होना चाहिए एलिमेंट आ गए आपके जैसे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सारे आपके एलिमेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है तो किसकी सेम वेलेंसी है ठीक है आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी में अपने पास क्या क्या आ गया मैग्नीशियम आ गया मैग्नीशियम आ गया ओके सी ए से क्या आ गया अपने पास कैल्शियम आ गया और बी ए क्या आ गया अपने पास बेरियम ठीक है तो ये तीन एलिमेंट्स अपने पास आ गए इनकी सेम वैलेंसी है। All right. अब वैलेंसी क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं सो कंबाइनिंग पावर एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी जो होती है उसको वैलेंसी बोला जाता है किस चीज की कंबाइनिंग पावर टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स ऑल सो वैलेंसी को हम किस लिए यूज करते हैं बैलेंसी से हम ये पता करना चाहते हैं कि कैसे एक एटम जो है एक एलिमेंट का वो दूसरे एटम्स के साथ ऑफ सम अनदर एलिमेंट कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म अ कंपाउंड ठीक है टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है तो ये दोनों एलिमेंट मिलकर के अगर एच टू ओ बना रहे हैं तो एच टू वो एक कंपाउंड है तो ये कैसे कंबाइन करेंगे ये डिपेंड करेगा इनकी वैलेंसी के ऊपर नो ऑफ द एलिमेंट को इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इनके एक तरह से हाथ हैं देयर आर आर हैंड्स और आर्म्स जिससे ये एक दूसरे के साथ करते हैं कंबाइन करते हैं कंसेप्ट समझ में आ गया तो अपने को अब वेलेंसी का मीनिंग भी समझ में आ गया वेलेंसी अपने को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो डायरेक्टली उस तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ यार वेलेंसी क्या होता है और राइट right. तो वो चीज आपको इसीलिए पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें हो जाता है अब वेलेंसी का अपने पास ये चार्ट आ गया ठीक है अब चार्ट को अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहले आपको जो वेलेंसीज uh, गिवन है नेम ऑफ आयंस और सिंबल्स जो आपको गिवन है सोडियम का आप देखोगे एन प्लस गिवन है आपको पोटेशियम के प्लस सिल्वर ए जी प्लस कॉपर सी यू प्लस तो इन सबकी वेलेंसी सेम है वन है इन सबकी वेलेंसी सिमिलरली आपके एम मैग्नीशियम की एम जी टू प्लस कैल्शियम की सी ए टू प्लस जिंक की जेड एन टू प्लस आयरन की एफ ई टू प्लस और कॉपर की सी यू टू प्लस तो अपने पास मैग्नीशियम और कैल्शियम था ठीक है ऑप्शन डी में मैग्नीशियम और कैल्शियम था तो दोनों की दो है तो अपने को यहां से क्लियर हो गया कि दोनों की सेम है अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन में तो बेरियम भी था पर यहाँ पर कहीं पर आपको बेरियम नहीं दिख रहा है और राइट बी ए आपको यहाँ पर चार्ट चार्टर चार्ट में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ऑल राइट right, लेकिन अब यहाँ से एक चीज मेरे को समझ में आ गई कि बी ए की वैलेंसी वन नहीं है क्योंकि यहां पर भी गिवन नहीं है और बीए की वैलेंसी थ्री भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम मेरे पास गिवन है तो आप कहोगे सर ये फिर बाकी एलिमेंट्स में क्यों नहीं चला अब एक बार अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो ऑप्शंस को ध्यान से देखो यहाँ पे आते हैं अब पहले ऑप्शन में गिवन था एन ए और सी ए और सी तो ठीक है कि इनकी वैलेंसी दो है लेकिन एन की वैलेंसी मेरे पास टेबल में वन गिवन है तो मेरे को पता चल गया कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे को एम और सी की भी पता है मेरे एनसीआरटी वाले चार्ट से कि दो है और मेरे को एन की भी पता है कि एक है ठीक है तो एन ए इसका आंसर नहीं हो सकता दूसरा क्वेश्चन अगर अब आप दूसरा ऑप्शन देखो इसमें एन ए और ए एल अब एल की वैलेंसी क्या थी, एल थी, थी ए एल की वैलेंसी थी थ्री ठीक है अब एल की वैलेंसी थी थ्री एनए की वैलेंसी है वन ए एल की है थ्री और एम जी की है टू तो ये भी सेम नहीं है ऑप्शन बी भी, भी गया ठीक है जी ऑप्शन सी में अगर आप देखो एम जी सी ए और के अब एम जी और सी ए की मेरे को पता है कि वैलेंसी कितनी है दो लेकिन के की वैलेंसी कितनी है के की वैलेंसी कितनी है अपने पास टेबल में फिर से इधर देखोगे तो के की वैलेंसी है वन तो इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता ठीक है अब बेरियम के आप कहोगे बेरियम टेबल में गिवन नहीं है लेकिन मोस्ट सुटेबल अपने पास यही बचता है क्योंकि बाकियों का तो अपने को पता चल गया ठीक है तो कई बार कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो एन में गिवन नहीं है लेकिन आप उसको एलिमिनेट करके बाकी चीजों का जो नॉलेज है यूज करके आंसर कर सकते हो इजीली अब सारे एलिमेंट्स जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज याद कर सके वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इस तरह से हमने तैयारी करनी है नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की अगर हम वैलेंसीज देखें हाइड्रोजन की H+, प्लस हाइब्राइड एच माइनस क्लोराइड सी एल माइनस ब्रोमाइड बी आर आयोडाइड आई नेगेटिव ऑक्साइड ओ टू ऑल राइट सल्फाइड एस टू नेगेटिव नाइट्राइड एन थ्री फिर आपके पास ये पॉली एटमिक आयंस भी आ जाते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ये वाला पार्ट है ओके okay? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले चलिए नोवेज वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी का यूनिट इनमें से क्या नहीं हो सकता डी बी एस माइनस वन एच जेड और मिनट पावर माइनस वन बताइए इनमें से क्या जो है आपका साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकता अब देखो ये सारे के सारे जनरल क्वेश्चन है बहुत जनरल क्वेश्चन है आपकी सिक्स टू क्लास की एनसीईआरटी में ये इजीली कवर हो जाते हैं ठीक है थीके? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल सवाल आपसे पूछ लिया क्योंकि जनरल साइंस को जनरली बच्चे ऐसे ट्रीट करते हैं कि दे आर आस्किंग विद क्वेश्चन फॉर फॉर नीट और आई टाइप ऑफ एग्जाम बट दैट इज नॉट द केस वैसा नहीं होता है और राइट सो यहां पर आपका आंसर क्या हो गया यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डेसिबल ठीक है डीबी को क्या बोला जाता है डेसीबल बोला जाता है नाउ right. अगर हम पर अब चीज देखें तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है है ठीक तो मैं फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करता हूं तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली एक इवेंट अकर कर रहा है और राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल आप ड्रम बजा रहे हो तो आपसे अब आप मैंने कह दिया कि यार आपने एक मिनट में कितनी बार ड्रम बजाया या फिर अगर मैं अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं आपको कहता हूं कि बताओ मैंने टेन सेकेंड्स में कितना अपनी अपना हाथ जो है वो ऊपर नीचे किया ठीक है तो जो वो मेरे पास डाटा आएगा उसको मैं क्या बोल दूंगा उसको मैं बोल दूंगा फ्रीक्वेंसी सिमिलरली जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तब भी हम एक फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लेते हैं अब साउंड आपको पता है जब साउंड रिलीज होती है तो वो प्रोपोगेट करती है थ्रू अ मीडियम ठीक है एक प्रॉपर मीडियम के थ्रू साउंड प्रोपोगेट करेगी नॉट द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू तो जो साउंड प्रोपोगेशन होता है वो एक बार मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा फिर एक बार मिनिमम वैल्यू पे आएगा तो so, जो ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का पूरा साइकिल होता है इसको कहते हैं ऑसिलेशन ठीक है ये जो पूरा साइकिल होगा साउंड का मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू प्रोपोगेट करने का इसको हम क्या कहेंगे ऑसिलेशन और जब ये एक बार पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा यानी मैक्सिमम साइकिल से स्टार्ट होकर फिर वो मिनिमम पर जाएगा फिर वो फिर से मैक्सिमम पर आएगा दिस विल बी वन साइकिल तो जब ये वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन और जितनी नंबर ऑफ ये ऑसिलेशन होंगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम का मतलब है आप उसको सेकेंड्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो आप उसको मिनट्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो वो आपकी मर्जी है तो पर यूनिट टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि इस साउंड वेव की ये फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो अब अपने पास ऑप्शन में क्या था देखो आप हर्ड्स तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ही है आप उसको सेकेंड्स और मिनट्स में भी बता सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो ट्रैवल करने की है वो क्या है तो सेकेंड्स मिनट्स में सब में हो सकता है डीबी इसका आंसर क्यों नहीं है क्योंकि डीबी का कंसेप्ट दूसरा है डीबी का कंसेप्ट भी यहां पर समझ लो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर भी ना लाउडनेस की जब हम बात करते हैं कि लाउडनेस होता है ना हम कहते हैं ना कितना लाउड है ये बंदा या कितना लाउड म्यूजिक है तो हम लाउडनेस की बात कर रहे हैं वहां पर हम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे फ्रीक्वेंसी बेसिकली साउंड वेव ट्रैवल कैसे कर रहा है एंड लाउडनेस इज की वो कितना लाउड है इट अब जब हम लाउडनेस की बात करते हैं तो लाउडनेस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्क्ट्यूड ऑफ ऑफ द वाइब्रेशन ठीक है जो वाइब्रेशन हो रहा है उसके उसका जो amplitude है उसका स्क्र होता है वो फॉर एग्जाम्पल अगर एम्पलीट्यूड ट्वाइस है तो लाउडनेस जो है वो फोर हो जाएगी ठीक है अगर जो एम्पलीट्यूड है वो थ्राइस है तो लाउडनेस कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी क्योंकि स्क्वेयर है अब जो हम ये लाउडनेस है ना इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन अ यूनिट कॉल डेसिबल तो डेसिबल यानी कि डी जो है वो लाउडनेस को एक्सप्रेस कर रहा है वो कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा ठीक है अब अगर आप देखो बेसिकली लाउडनेस की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उसकी कितनी लाउडनेस होती है टेन डेसिबल सॉफ्ट विस्पर अगर आप कर रहे हो पांच मीटर के डिस्टेंस तक अगर जो सोर्स ऑफ साउंड है वो विस्पर कर रहा है तो उसकी कितनी लाउडनेस होगी थर्टी डेसिपल नॉर्मल कंजर्वेशन अगर दो लोग कर रहे हैं तो उसकी कितनी जो है लाउडनेस होगी सिक्सटी डेसीबल्स जो बिजी ट्रैफिक होता है हॉर्न टों टों जो सब बज रहा होता है उसकी कितनी हो जाएगी सेवेंटी डेसीबल्स एंड एवरेज एक फैक्ट्री जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है वहां पर कितनी साउंड होती है मशीन वगैरह की वजह से दैट इज 80 डेसिबल्स की लाउडनेस होती है ठीक है अगर 80 डेसिबल्स से ऊपर लाउडनेस जा रही है तो उसको हम कह देते हैं कि नॉइज है ये शोर मच गया ठीक है नॉइज को हमने बेसिकली कैसे डिफाइन कर दिया कि शोर है All right, और ये जो है इंसान के लिए फिजिकली पेनफुल हो जाता है ठीक है तो ये चीज याद रखनी है और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी वो डायरेक्टली सवाल पूछ लेगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग है या सॉफ्ट विस्पर है नॉर्मल कन्वर्जेशन है बिजी ट्रैफिक है या एवरेज फैक्ट्री है तो कितनी लाउडनेस उसकी होती है ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है ठीक है तो इस एक कंसेप्ट से आपके देखो कितने कंसेप्ट कवर हो चुके हैं अब यहां पर ठीक है एक तो ये वाला तो हमने समझ ही लिया कि क्यों है फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया कि क्या इसके अंदर फंडा रहता है उसके बाद मैंने आपको डेसिबल्स का भी फॉर्मूला समझा दिया और लाउडनेस का भी आपको फॉर्मूला समझा दिया एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर होता है ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर के तो वो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेगा वो आपको एम्पलीट्यूड दे देगा आपको कहेगा कि बताओ लाउडनेस कितनी होगी तो आप क्या कर दोगे सीधा उस वैल्यू का स्क्यर कर दोगे और राइट सो द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल ये भी आपने याद में रखना है और ये वाली यूनिट्स भी याद में रखनी है

ठीक है वेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स टू सोर्सेज से डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रही हैं तो ये दो फ्रीक्वेंसीज जब इक्वल होंगी बहुत अपार्ट होंगी बहुत डिफरेंट होंगी मल्टीपल्स होंगी एक दूसरे का या नियरली सेम होंगी अब बीट का कंसेप्ट अगर पता होगा तभी इसको आंसर कर सकते हैं नहीं तो इसको आंसर ही नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है इसको आंसर करना उस केस में ठीक है देखो अब आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इक्वल इसका आंसर नहीं है फार अपार्ट नहीं है मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर नहीं है आंसर इसका होगा डी नियरली सेम ठीक है जब नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज होंगी टू हार्मोनिक वेव्स होंगी तब बीट का फिनोमिनन होगा अब बीट बेसिकली डिफाइन कैसे होता है इट इज इट कम्स आउट ऑफ द फिनोमिनन ऑफ इंटरफेस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जब दो डिफरेंट वेव्स दो डिफरेंट साउंड सोर्सेज हैं उन्होंने साउंड प्रोड्यूस किया जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हुई वो आपस में इंटरफेयर करेंगी जिसकी वजह से बीट्स का फिनोमिनन इमर्ज होता है ऑल राइट right. और ये जो साउंड वेव्स हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल ऑलमोस्ट काफी क्लोज फ्रीक्वेंसीज की होती है नॉट इक्वल नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट वेरी क्लोज ठीक है तो जब ये बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स एक ही दो डिफरेंट सोर्सेज से निकलेंगी और ये सेम टाइम पर जब ये साउंड वेव्स निकलेंगी तब हमें एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी सुनेगी ठीक है लेकिन उसके अलावा हमें एक डिस्टर्बेंस भी सुनेगी ठीक है उस डिस्टर्बेंस को हम क्या कहते हैं बीट कहते हैं और जो आपके म्यूजिशियंस होते हैं आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं वो ट्यूनिंग करते रहेंगे तब तक अपने साउंड सोर्सेस की जब तक जो बीट है वो बिल्कुल डिटेक्ट ना हो वो बिल्कुल बीट को सुन ना पाए मैं आपको इसके लिए एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे ये आपको कंसेप्ट जो है बीट का शायद और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए गिव मी अ सेकेंड यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए ये निकाल करके रखा था जिससे आपको कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर जो है हो जाएगा ध्यान से देखना इस वीडियो को दीज आर टू सोर्सेज ठीक है ये दो सोर्सेज हैं सेम फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी के ये इसकी साउंड वेव जो है ट्रेवल कर रही है ठीक है ये साउंड वेव है फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट सेम है अब जब इन दोनों को आपने साथ में बीट कर दिया तो एक हम की आवाज आ रही है ना एक डिस्टर्बेंस टाइप आ रहा है ध्यान से सुनो एक बार और देखो एक बार और ध्यान से देखो ये दो सोर्सेज हैं बेसिकली ये जो दो बेल्स दिख रहे हैं आपको ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो अगर आप एक सोर्स को बीट करते हो तो ठीक है प्रॉपर साउंड आ रहा है लेकिन जब आप दोनों को एक साथ बीट कर देते हो तो दोनों की साउंड वेव्स जो है वो इंटरफेयर होनी शुरू हो जाएंगी और एक डिस्टर्बेंस जैसी साउंड प्रोड्यूस होगी ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है हमारे में जिसको हम बोल रहे हैं ठीक okay, तो है डिस्टर्बेंस है संडे ट्रीट क्वेश्चन है मैंने आपको बताया कि पेपर में सिंपल क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके संडे को अच्छा बनाने के लिए right, so, इस में आपका क्या होगा एलईडी केस में इट विल बी लाइट एमिटिंग डायोड आंसर क्या हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लाइट एमिटिंग क्वेश्चन देखेंगे अब। During seed germination, जब seed की जर्मिनेशन स्टार्ट होती द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच ग्रोज इन टू रूट इज एम्ब्रियो का वो पार्ट सीड एम्ब्रियो का वो पार्ट जो अल्टीमेटली रूट की फॉर्म में ग्रो करता है वो कौन सा होता है रेडिकल और कॉटलीटिल

अल जो है वो आता है सीड में से ग्रो करके और ये जो प्लूम्यल होता है इट सपोर्ट्स कॉटिलेडेंस और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जो अल्टीमेटली फूड प्रोड्यूस करेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट है अब रेडिकल की अगर मैं फिर से बात करूं तो दो टाइप के रेडिकल होते हैं एक होता है आपका एंटीट्रॉपस और एक होता है आपका साइन ट्रॉपस ये भी आपने याद कर लेना इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा ठीक है तो ये रेडिकल आपने याद कर लेना है और ये प्लूम्यूल का भी आपको पता चल गया ऑल राइट फ्यूमेल जो है कॉटी को सपोर्ट करता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ये दोनों चीज़ें भी याद रखेंगे इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है ऑल राइट चलिए यहाँ पर हमारे पांच क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं आई होप मजा आया होगा सबको फिर भी डाउट हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या मेल या फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ऑल राइट मिलेंगे अगली लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड सेफ